पंकज उदास का एक गीत आपने जरूर सुना होगा, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। शायद ऐसा ही कुछ साबित होता दिख रहा है बिहार में, जहां एक तरफ राज्य सरकार शराबबंदी पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब के अवैध कारोबारी और शराबी ना तो शराब कारोबार बंद कर रहे हैं और ना ही शराबी जाम छलकाने से बाज आ रहे हैं। इस बीच एक मामला सामने आया है जिसके बाद पुलिस और पुलिस की अव्यवस्था पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। बिहार पुलिस के DGP के गृह जिला मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब का दुकान खुल गया है, जहां लोगों को शराब परोसी जाती है, पीने वाले आते हैं और बेखौफ होकर शराब पीते हैं और फिर चलते फिरते हैं। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किसी शराबी को कुछ कहा जाता है तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहीं स्थानीय पुलिस शिकायत करने के बावजूद अनसुना कर देती है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कार्यरत एक कर्मी भी शराब बेचते हुए पाया गया। वहीं जब लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मामले की सूचना दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने कहा कि कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शराब नहीं मिलती हो। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने बताया कि वो जब यहां आए हैं तो रोजाना देखते हैं कि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। शराब माफिया खुलेआम मजदूरों के बीच शराब का सप्लाई करते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, रोक टोक करने पर मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। कहा जाता है कि सूबे में शराबबंदी है, बंद हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन धरातल पर बंदी पूरी तरह सफल नहीं है। आज भी आपको आसपास कई लोग पिए हुए मिल सकते हैं, लेकिन नशा करने में सरकारी सेवक भी पीछे नहीं होते हैं। वो सेवक जो नशा ना करने की सरकारी शपथ तक ले चुके हैं, बराबर किसी न किसी साहब या कर्मी का नशे वाला चेहरा उजागर होता रहा है। पंकज उदास का एक गीत आपने जरूर सुना होगा, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। शायद ऐसा ही कुछ साबित होता दिख रहा है बिहार में, जहां एक तरफ राज्य सरकार शराबबंदी पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब के अवैध कारोबारी और शराबी ना तो शराब कारोबार बंद कर रहे हैं और ना ही शराबी जाम छलकाने से बाज आ रहे हैं। इस बीच एक मामला सामने आया है जिसके बाद पुलिस और पुलिस की अव्यवस्था पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। बिहार पुलिस के DGP के गृह जिला मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब का दुकान खुल गया है, जहां लोगों को शराब परोसी जाती है, पीने वाले आते हैं और बेखौफ होकर शराब पीते हैं और फिर चलते फिरते हैं। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किसी शराबी को कुछ कहा जाता है तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहीं स्थानीय पुलिस शिकायत करने के बावजूद अनसुना कर देती है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कार्यरत एक कर्मी भी शराब बेचते हुए पाया गया। वहीं जब लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मामले की सूचना दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने कहा कि कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शराब नहीं मिलती हो। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने बताया कि वो जब यहां आए हैं तो रोजाना देखते हैं कि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। शराब माफिया खुलेआम मजदूरों के बीच शराब का सप्लाई करते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, रोक टोक करने पर मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। कहा जाता है कि सूबे में शराबबंदी है, बंद हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन धरातल पर बंदी पूरी तरह सफल नहीं है। आज भी आपको आसपास कई लोग पिए हुए मिल सकते हैं, लेकिन नशा करने में सरकारी सेवक भी पीछे नहीं होते हैं। वो सेवक जो नशा ना करने की सरकारी शपथ तक ले चुके हैं, बराबर किसी न किसी साहब या कर्मी का नशे वाला चेहरा उजागर होता रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।